हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे असाका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आज मैं आप लोगों के साथ जो मैथ्स के टॉपिक का डिस्कस करने वाला हूँ, खास करके देखिए ये चीज़ें तो आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी कि अभी हम लोग मैथ्स की बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी चूंकि सीबीएसई के मैथ्स का जो है एक चैप्टर है और 10th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, 10th क्लास के सीबीएसई के मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, ठीक है। अब आखिर हमें देखना है इस चैप्टर को कि इस चैप्टर में हमें अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अंदर जो हमें सबसे मेन चीजें पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, एक सबसे पहला चीज मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये वाला जो है वो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आखिर डेटा होता क्या है, ठीक है। देखिए डेटा के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है कि होता क्या है, तो जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं, एक तरीके से जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं, उस सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं डेटा। देखिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये हो सकते हैं कि आप यदि स्टैटिक्स में इस तरीके के चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस तरीके के चैप्टर को पढ़ने का मतलब क्या बनता है। सबसे पहली बात देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आप यदि उस चीज को लॉजिकली समझते हैं कि आखिर इस चीज की पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं, तो फिर आपको ये सारी चीजें जो है वो पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर डेटा क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि हमारे लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। मतलब यदि मुझे ठीक है इंफॉर्मेशन ऐसा मिल रहा है जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए डेटा नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात की मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, मैंने सोचा कि एक डोंगरी कोई लोकेशन है, ठीक है, एक डोंगरी लोकेशन है जहां पे मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे किस लोकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट डालते हैं, ठीक है। इस लोकेशन के अंदर हमें क्या करना है बताइए मुझे, कोचिंग इंस्टीट्यूट डालते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत सारे तरीके का वेरिएंट होता है। मतलब मैंने सोचा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर की यहाँ पे जो स्टडी होगी वो किस क्लास तक की होगी बताइए मुझे, 6th to 10th क्लास तक के बच्चों को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, 6th to 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो अब सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले यदि मुझे डुमरी के इस लोकेशन में किसी इंस्टीट्यूट को डालना है, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, या तो मैं डायरेक्ट आके इस लोकेशन पे अपनी इंस्टीट्यूट को डाल सकता हूँ, हाँ। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करूं, इस पूरे लोकेलिटी के अंदर पता करूं कि मेरे लिए, मतलब इस पूरे लोकेलिटी के अंदर पता करूं कि आखिर इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं भी या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई काम बिल्कुल
प्लानिंग और आप अपने किसी न किसी स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं, तो फिर इसमें आपके चांसेस जो हैं, चांसेस किस चीज के बताइए मुझे, उस चीज के होने के चांसेस या फिर उस चीज के ग्रो होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब उस चीज की चांसेस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, मैंने बोला कि कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे इस लोकेशन में डालना है, तो सबसे पहले मुझे इस बात की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए कि आखिर इस लोकेशन में 6th to 10th क्लास के बच्चे कोई पढ़ने वाले हैं भी या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे, यहाँ पे पॉपुलेशन का पता करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन का पता करना पड़ेगा। और किस पॉपुलेशन का पता करना पड़ेगा, ऐसे पॉपुलेशन का पता करना पड़ेगा जो 6th से लेकर 10th क्लास के बीच की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, चलिए मैंने मान लिया कि डुमरी टोटल लोकेशन के अंदर का जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमारे पास 1000 है। ठीक है, अब 1000 में से जो इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो टोटल कितने हैं, ओनली 500 हैं। तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हुआ वो 500 रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हुआ या मेरे लिए टोटल 1000 रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हुआ। मुझे तो सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, 6th to 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे इससे बड़े बच्चों या इससे छोटे बच्चों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो पॉपुलेशन चूंकि जब मैंने काउंट कराया होगा या फिर जब भी मैंने कभी पॉपुलेशन के बारे में पता किया होगा, तो ओवरऑल इस पॉपुलेशन के अंदर आप खुद बताइए मुझे, 6th to 10th क्लास के बच्चे तो है ही हैं, प्लस में अंडर 6th बच्चे हैं और 10th के बाद भी बच्चे हैं, और इसके अंदर इनके मदर फादर सिस्टर ब्रदर और भी बहुत सारे कजन्स वगैरह हो सकते हैं फैमिली के अंदर। ठीक है, लेकिन मुझे बाकी के मेंबर से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मुझे सिर्फ किस पॉपुलेशन से मतलब है, 500 से। इसलिए इस 500 को मैं आराम से बताइए मैं क्या कह सकता हूँ, आराम से मैं क्या कह सकता हूँ, ये डेटा कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है मेरे लिए रेलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो काम है उस काम के लिए ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है, और रेलेवेंट भी किस पर्पज से है, मेरे को प्लानिंग करने के पर्पज से रेलेवेंट है। ठीक है, मेरे को अपने एक स्ट्रेटेजी बनाने के पर्पज से जो है मेरे लिए रेलेवेंट है, इसलिए इस डेटा को या इस जानकारी को या इस इंफॉर्मेशन को कह सकता हूं कि ये हमारा क्या है, डेटा। चलिए, यहां तक तो हमें समझ आ चुके हैं कि डेटा आखिर क्या होता है। तो देखिए, डेटा की हमें क्या सीखना है, यहां पे बताइए मुझे, रिप्रेजेंटेशन सीखना है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन आखिर डेटा को करने की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो जैसे मैं आपको एक बहुत जो है क्लास 10th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, मान लीजिए 50, मतलब क्लास 10th में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। मैंने क्या कर लिया, यहां पे एक टेस्ट कंडक्ट कराया, मैंने टेस्ट कंडक्ट कराया, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का, टोटल मार्क्स का हमारे पास यहाँ पे 20, टोटल मार्क्स कितना, 20। आप मुझे बताइए कि इस 20 मार्क्स के मैथ्स का जो मैंने टोटल यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कराया है, इसके जब रिजल्ट आए, इसके जब मेरे पास रिजल्ट आए, तो रिजल्ट इसके क्या हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रिजल्ट के बेस पे हुआ क्या कि मैंने एक तरफ से सारे बच्चों को पहले क्या कर दिया, आंसर शीट दे दिया। ठीक है, रिजल्ट अनाउंस हो गए, रिजल्ट अनाउंस हुए, मैंने क्या किया, एक तरफ से सारे बच्चों को पूछना शुरू कर दिया, एक तरफ से सीरियल वाइज पूछना शुरू कर दिया कि हाँ जी सर आप बताइए कि आपके कितने नंबर।
मतलब एक तरफ से सारे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए, मैंने उनसे क्या करना शुरू कर दिया बताइए मुझे, इसके रिजल्ट की जो मार्किंग है वो उनसे मैंने पूछना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मतलब क्लास के टीचर अब उनसे यदि पूछना शुरू कर दिया तो पहले सीरियल नंबर पे, पहले फर्स्ट बेंच पे जो बैठे पहले नंबर के बच्चे थे, उन्होंने बोला कि सर मुझे जो है वो 5 नंबर है। ठीक है, मुझे कितने नंबर है, 5 मार्क्स है। और सेकेंड ने बोला 7 है 8 है, इसी तरीके से 10 है और 12 है, इसी के 20 भी आएंगे साइंस के बाद। तो यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 20 स्टूडेंट हो गए और इनके टोटल मार्क्स का मुझे पता चल गया। अब आप खुद देखिए कि आखिर इन चीजों का मुझे जरूरत क्या है, इन चीजों का मुझे जरूरत क्या है। आप खुद कहेंगे कि एक बात बताइए सर, आप खुद यदि 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं बताइए मुझे, 50 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 50 को मैं थोड़ा चेंज करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने स्टूडेंट्स लिख देता हूँ, 20, ताकि आपको यहाँ पे डेटा लिखने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। ठीक है सर, अब चलिए आपने मेरे से बोला कि सर आपके पास टोटल 20 स्टूडेंट है, और जब आपने 20 स्टूडेंट से टेस्ट लिया तो आपकी सिंपल सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में आपको इस बात की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर किस बच्चे के कितने नंबर आए। क्यों? इवैल्यूएशन के पर्पस से। क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके से बच्चे को थोड़ा बूस्टअप कर सकूं कि जिन जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं उन बच्चों को मैं क्या कर सकूं, दोबारा से उनको थोड़ी सी एडवाइस दे सकूं या फिर उनको बता सकूं कि हाँ भाई आप जो है थोड़े कम मेहनत कर रहे हैं, आप उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ आखिर उनको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, मतलब समझने में दिक्कत आ रही है या फिर वो घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर इधर उधर घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बच्चों के पास तो टाइम पास करने के बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ, लेकिन बात यह है कि आखिर इस बात का जानकारी मुझे कैसे पता चलेगा, तो जब मैंने टेस्ट लिया तो मुझे पता चला कि इस तरीके से बच्चों के परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल ये मैंने क्यों पूछा, इसलिए पूछा कि मैं अब क्या कर सकता हूं बताइए मुझे, इस जानकारी के आधार पर या इस इंफॉर्मेशन के आधार पर या बेस पर मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस कैसा है क्लास का। मतलब टोटल हमारे पास यदि 20 स्टूडेंट्स हैं तो इसमें से मैं देखूंगा कि 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स के यदि अच्छे स्कोर हैं और वो 50 से ज्यादा मार्किंग के अंदर हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 20 में से मैंने मान लिया कि चलो यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स के जो है वो गुड मार्क्स। ठीक है, ये कैसे मार्क्स है बताइए मुझे, गुड मार्क्स है, और वही 5 स्टूडेंट्स के जो है वो कैसे हैं, वर्स्ट मार्क्स हैं। वर्स्ट मतलब है ये बहुत ही ज्यादा बेकार मार्क्स हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल हमारे क्लासेस की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है, एवरेज है, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता कि हमारे टोटल 20 स्टूडेंट्स में से जो इसके मार्किंग आए हैं वो इतनी ज्यादा एक्सीलेंट नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सीलेंट तो नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हमारे ओवरऑल इस क्लासेस की परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज। तो मतलब आपके सामने जस्ट आपने देखा कि डेटा का जो है वो कितना बड़ा इस्तेमाल है। ठीक है, मतलब इस बात की जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए कि हम लोग कुछ भी यहाँ पे फालतू की चीजें नहीं पढ़ाई कर रहे, हमारे सिलेबस में जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है, और आने वाले दिनों में हमें इन सारी चीजों को क्या करना है बताओ मुझे, प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो अप्लाई भी करना है, इसकी एप्लीकेशन है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए इन चीजों को आप इस तरीके से समझिए कि आने वाले दिन में आप अपने लिए भी क्या कर सके बताइए मुझे, प्लान कर सके, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना है। मान लीजिए बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके शुरू से ही मन ये होता है, अंदर से ये इच्छा होती है, डिजायर होता है कि मुझे भाई आगे चल के क्या करना है, अपने खुद के जो है बिजनेस करने, तो बिजनेस करने तो चलो ठीक है, नहीं तो आपके खुद के जो है ऐसा कुछ आपको क्या करना है बताइए मुझे, आपको खुद सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में काम करना है। तो ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी सिटी में जाएंगे जहाँ पे कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट को आप लॉन्च करेंगे या फिर कुछ ऐसी काम को अंजाम करने के लिए जाएंगे, तो थोड़ी सी आप प्लानिंग जरूर करेंगे कि अगल बगल उस तरीके के रिलेटेड कस्टमर्स वहाँ पे है भी या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इस तरीके से पूरे डेटा को जमा करना पड़ेगा, पहले डेटा एक्वायर करना पड़ेगा और उस डेटा की ऑब्जर्वेशंस के बेस पे आप कहना कि इस तरीके से पूरे तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ इस तरीके के काम को आपको वहां पे करना आपके लिए बेनिफिशियल है फिर नहीं।
ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने आपसे इतना डिस्कस किया है कि ओवरऑल डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आखिरकार हम लोग डेटा को क्यों जो है वो एक्वायर करते हैं, ठीक है, और या तो डेटा को कलेक्ट क्यों करते हैं। देखिए एक चीज और हम कह सकते हैं, जैसे हमारे इस स्कूल का परफॉर्मेंस है ना, अब मान लीजिए स्कूल में बहुत लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए स्कूल में कौन है प्रिंसिपल, स्कूल में है प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल ने क्या किया है बताइए मुझे, हर एक क्लास में एक क्लास टीचर को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, मतलब ये कि मैथ्स के लिए तो इस क्लासरूम में ऑलरेडी टीचर्स होंगे जो मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, हाँ, लेकिन ओवरऑल बच्चों के जब इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं तो प्रिंसिपल कहना नहीं या जो मैनेजमेंट है इस पूरी तरीके से स्कूल के इंस्टीट्यूट के या फिर ऐसे ट्यूशन के जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं इस बात से जरूर एक अनुमान या फिर एक एजम्पशंस लगा पाएंगे, एक तरीके से इवैल्यूएट कर पाएंगे कि ओवरऑल जो है वो हमारे क्लास की पोजीशंस क्या है, हमारे क्लासेस की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, हमारा क्लासेस का परफॉर्मेंस अप चल रहा है, हमारे क्लासेस का परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है, तो इसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके पीछे की कहीं ना कहीं हम लोग ड्रॉबैक को एक तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर काम करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब आपने देखा कि डेटा कलेक्शन हमारे लिए जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, हर एक चीज में जो है ना कहीं ना कहीं डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है, तभी जाके उस चीज की बीमारी को हम लोग कहीं ना कहीं जड़ से पकड़ सकते हैं और उसको बिल्कुल पूरी तरीके से शट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है, हाँ, यदि आपको क्लास पसंद आया और आपको ये सारी चीजें सुनने में थी, आपको अच्छा लगा, ऐसा लगा कि नहीं डेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है, तो प्लीज आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस के साथ भी जरूर मिलिएगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जो है इसके आगे के डिस्कशन को करेंगे, वहां पे हमारा ये टॉपिक होगा कि डेटा को आकर हम लोग किस किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन रिप्रेजेंट करने के तरीके भी वैसे क्यों है, ठीक है, मतलब डेटा को यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, वैसे क्यों नहीं लिख सकते, इस पूरी जानकारी के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हर एक एक पहलू को जो आपको सुनने में बिल्कुल पूरी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको मजा आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना सारा कुछ समझ आ गया होगा और प्लीज आप नेक्स्ट वीडियोज में आप हम लोग मिलेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में एक चीज जरूर बोलूंगा कि ये सारी चीजें यदि आपको समझ आई है, ठीक है, खास करके तो आप अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज इस वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, मेरे को आपसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, बस ये है कि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप कर दीजिएगा, नहीं लग रही है तो इसमें मेरा कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।